माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज संदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वेलकम टू आईएमसी परिवार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हजारीबाग से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे एक प्यारा सा गांव है जिसका नाम तुराव है। हम लोगों ने हजारीबाग में ये हर्बल एग्रो बूस्टर जो आईएमसी कंपनी का ब्रांडेड प्रोडक्ट है, जो फर्स्ट टाइम इन इंडिया है, मतलब भारत में पहली बार ऐसा बूस्टर एक आया हुआ है जो 100% ऑर्गेनिक है, जिसमें किसी तरह का भी केमिकल का मिलावट नहीं है और वो 100% WHO सर्टिफाइड किया गया है। अगर आप अपनी खेती में इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो आपका जो फसल हो रही है, फसल में जो फल आ रहे हैं, वो 100% ऑर्गेनिक रहेंगे, जिसमें हर एक तरह का विटामिन आएगा, प्रोटीन्स आएगा, जिसको खाकर हमारा सेहत बहुत ही अच्छी तरह से खिलेगा, हमें अंग्रेजी दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने किया क्या कि इस तरह से एग्रो बूस्टर का प्रचार प्रसार पूरे हजारीबाग में कर रहे हैं। तो एक गांव है बहरी, जहां पे हम मोहन महतो जी को हम लोगों ने दिया था एग्रो बूस्टर। उन्होंने एक साल पहले छिड़काव किया था तो हमें विश्वास हुआ नहीं कि उन्होंने जब छिड़काव किया तो रिजल्ट जबरदस्त आया होगा। तो हम लोगों ने एक बार और उन्हें एग्रो बूस्टर दिया और देने के बाद क्या हुआ कि हम उनके प्लॉट जहाँ पे उन्होंने कद्दू की खेती की हुई है वहाँ पे हम लोग आकर देखना चाहते हैं कि कैसा रिजल्ट आया हुआ है। तो मैं चाहूँगा आप लोग लाइव देखें। और आज की तारीख है 20 सितंबर 2019 और हम लोगों ने 20 सितंबर 2019 को इनके प्लॉट पे आके ये लाइव वीडियो आपको शूट हो रहा है। आप देखेंगे कि हर्बल एग्रो बूस्टर का इस्तेमाल करके हम अपने भारतीय जीवन शैली की पद्धति को जो केमिकल फ्री कैसे बना सकते हैं। तो चलिए मिलकर देखते हैं। गुड बाय। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत ही करीब से दिखलाना चाहूँगा कि देखिए किस तरह से ये जो कद्दू की फसल हुई है हर्बल एग्रो बूस्टर के डालने के बाद, ये पैदावार को किस तरह बढ़ाता है आप खुद अपनी आंखों से अभी लाइव देख सकते हैं। ये देखिए जो, और इनका जो टेक्निक है कद्दू का फसल करने का, वो हमको बहुत ही पसंद आया। अगर आप चाहे तो इस तरह की खेती आप भी अपना कर अपने कद्दू की फसलों को बचा सकते हैं और उसकी वृद्धि ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए अब हम मोहन महतो जी के साथ इनके कद्दू के अंदर चलते हैं। हाँ सर, हम लोग अब दिखाएंगे आपको कि जब फसल इसका जो आया है लौकी का, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इसका जो फसल देखिएगा तो आपको लगेगा, देखिए करेला है और सब इसी तरह से पूरा नए नए बीज फल लगे हैं, वो फल आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत ज़्यादा मात्रा में। आप सोच सकते हैं कि कैसा फसल इसका आया। वही आपको हम दिखाते हैं। इसमें कद्दू के साथ साथ करेले का भी फसल किया गया है, लगा हुआ है करेला का, देखिए हर जगह लगा हुआ है और हर एक फूल में फल इसका लगा हुआ है, कोई ऐसा फूल नहीं है जिसमें फल नहीं लगा हुआ। देखिए आगे आपको दिखाते हैं, लौकी का शुरुआत हो चुका है और आप आगे देखते जाइए कि किस तरह का इसका फसल आया है। तो देखिए सर, लौकी है और ऐसा हजारों लौकी आपको मतलब यहाँ देखने के लिए मिलेगा। देखिए इधर आपका ऊपर में लगा हुआ है, तो ऐसे बहुत सारा फसल है इधर और आगे आपको आगे आइए धीरे धीरे और आप आगे दिखाते हैं। मतलब अजीबो गरीब तरह से इन्होंने बहुत ही अच्छा अपना दिमाग को इस्तेमाल करते हुए कद्दू के फसल के साथ करेले के फसल का उत्पादन किया है। और इन जिस तरह ये खेती कर रहे हैं, हमें लगता है कि बहुत ही जल्द हम अपने हजारीबाग में केमिकल फ्री जो प्रोडक्शन है पूरे हजारीबाग में दे पाएंगे। ये सब लौकी है, हर एक फूल में कोई ऐसा फूल नहीं है जिसमें लौकी नहीं लगा हुआ है और हमारे मोहन महतो जी इस खेती को करके बहुत खुश हैं। और आप तो बता रहे हैं हर एक फूल में फसल लगा हुआ है और कोई ऐसा जगह नहीं है, छोटा से छोटा फसल आपको नजर आएगा फूल में, कोई ऐसा फूल नहीं जिसमें आपका फसल, देखिए कोई फूल ऐसा नहीं है जिसमें आपका फसल नहीं लगा हुआ है, हर एक फूल में फसल लगा हुआ है। बताइए। हमने, मेरा नाम मोहन महतो है, मैं बहरी में रहने वाला हूँ और तुरा में भी हमारा खेती है, वहाँ पर खेती बाड़ी करता हूँ। हमने ये दवा जो है इसे एक साल के पहले हमने यूज किया, उस समय करेला पूरा लगाया था इसी प्लॉट। कौन सा सर पहले वाला? तो ये है पहले वाला दवा। अच्छा ठीक, ये पुराना वाला दवा हमको मालूम नहीं था। तो भाई साहब यहाँ पर मित्र आए हुए थे, बोला कि ये कंपनी की दवा आप चलाइए। हाँ। तो इसमें देखिए कैसा हो रहा होगा, तो हम उसके विश्वास पर हमने लिया, तो हमको दवा ला दिया वो रांची से। अब रांची से दवा वो ला दिया तो हम इसको यूज किया, तो उसको में क्या हुआ कि पूरा जो काना हो जाता था अंदर से कीड़ा होता था, तो ये कीड़ा को रोक दिया और उसके बाद हम उस समय से इसको चला रहे थे। दवा खत्म हो गया, हमको मिला नहीं हजारीबाग में, तो इसलिए हम ऐसे फिर इसको दवा का हम कुछ किया यूज नहीं किया। तो भाई साहब आए हैं करीब एक महीना के पहले, एक महीना के अंदर हो रहा है इनसे आपसे
भाई साहब से मिले, ये दवा के विषय हमको बताएं, तो ये दवा को हमने से यूज किया, अब लाए तो जब ये दवा हमने छिड़काव किया तो ये मेरा कद्दू जो देख रहे हैं लौकी जो है इसके बाद सॉलिड सीधा हो गया, जिसको मैं टेढ़ा गुबर फरता था, और कहीं ये लौकी का आप देखिएगा कहीं उसको में काना का दाग आपको नहीं मिलेगा आपको। हाँ सर, आप देख सकते हैं पूरा इसको में देखिए, और इसे सीधा है, और ये टॉनिक आपको सीधा भी है टेढ़ा कुबरा भी नहीं है, नहीं है। और इससे ऐसे बाजार में जाने के बाद आपको पहली मरतबे ही बाजार में आपकी बीज जगह, इसलिए कहीं दाग नहीं है। और इस केमिकल से आपने हर किसान हर भाई लोग काम करेंगे, अब इसको में टमाटर में भी काम कर सकते हैं आप, ऐसे बैंगन भी काम हो सकता होता होगा, और आपको जो है कद्दू में होगा, आपके आलू में भी होगा, आपके पत्ता गोभी में होगा, फूल गोभी का है, इसको में रसायन का खाद इसको में नहीं है जी। ये नीम सा बना हुआ है, रसायन का खाद नहीं, इसको खाने से कोई तरह बीमारी नहीं है। और एक चीज ये केमिकल ये दवा में है कि फसल को छींट करके आप एक दिन के बाद भी इसको सब्जी तोड़िएगा तो बीमारी जैसे किसी तरह बीमारी जो हो जाता है इसको में वो चीज को नहीं मिला, इसमें सेंट नहीं है, इसको में सेंट ये नहीं है कि दवा का छिड़काव हम किए और फसल को हम तोड़ दिया, तो वो चीज नहीं है। जैसे दूसरा है रसायन की खाद जो है दवा है उसको देने के बाद वो फसल को तोड़ लेते हैं तो नुकसान ही पड़ता है, तरह बीमारी भी हो सकता है, लेकिन एक फसल में ही दवा नहीं है कि सेंट है या नहीं, इसको इसे पता नहीं चलेगा कि इसको दवा दिया हुआ है, तो दवा के इस कद्दू कुछ भी फसल खा भी सकते हैं, कोई जानवर भी खा सकते हैं, इसको मतलब कि बीमार होने का कोई चांस का चीज चांस है नहीं। और ये दवा को आप 10 दिन से 15 दिन के अंदर में आप इसको छिड़काव कर सकते हैं। और ये कद्दू जो देखिए निकला हुआ है, लौकी निकला हुआ है आपको इसको में सीधा है एकदम से, आप देखिएगा लौकी ये देखिए सीधा है, आप यहाँ पर भी देखिए लौकी सीधा है, इससे आपको आपको जमीन में बैठा हुआ नहीं है, तो बाजार में हर आदमी लोग समझता है, हर कस्टमर समझता है हमको अच्छा मिले सस्ता भी मिले, तो इसमें लेने वाला को भी फायदा है और कस्टमर को भी फायदा है, इसको में आपको खाना खुदरा आपको नहीं मिलेगा, कस्टमर भी आपको अच्छा लगेगा, और इसमें से किसान जो है जो दो पैसा उसको आवेगा, जो किसान भाई आपको खेती करेंगे इसमें हुए नहीं है। ये कद्दू को फसल लगी है इसको में ये दवा में यही चीज है, ये दवा जो आप देख रहे हैं चमकीला कर देता है, ये दवा आप देख रहे हैं दवा में लाइट चमक लाता है, चमक जाता है और फसल को भी चमक लाता है, और इसलिए ये दवा को आप ऐसे भाई किसान भाई इसको आप इसका यूज कीजिए, आप देखने के बाद एक मतलब आप यूज करते हैं एक शीशी आप इसको यूज करते हैं तो इसी में आपको पता चल जाएगा कि हमारा क्या फायदा क्या नहीं फायदा, काम लोग किसान इसको बोलते नहीं दवा बोलता है, जो दवा काम करेगा तो आप अपने साथ यूज कीजिए। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, हम तो लोग हर किसान भाई को हम कहते हैं इसको कम से कम जो नहीं यूज किए हुए हैं वो यूज करें और एक बार उसको यूज करके देखें इसको में क्या फायदा है कैसा फायदा है। इसका में दो तरह की तीन तरह की दवा देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही दवा में आपको काम में आ जाएगा। चलिए और पूरा ऐसे ही हरा भरा देखिए मेरा लौकी लगा हुआ है, अब इसमें से पूरा लंबा लंबा हो रहा है, एक भी कहो सूखा हुआ नहीं, आप लोग देख सकते हैं। और इसके में जो भी फसल आपका लगा है पूरा लंबा लंबा, इसको में आप देखिए कि ये कद्दू में आप लोग देखिए कि यहाँ पर हर गाइट में चीची देख रहे हैं, यहाँ से आप लोग देखिए एक गाइट में हर गाइट में चीची दिखा रहा है और सब ये लंबा फेंकते जा रहा है। ये दवा में यही चीज है इसको में बढ़िया है कि ताकि ये सारी चीज को फसल का इधर आइए, देखिए सबको फसल जो लगा हुआ जा रहा है जी। यहाँ से तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है देखने में, हर एक कद्दू को लटकता हुआ दिख रहा है, मतलब फलों की संख्या में बढ़ोतरी बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है, और जिस तरह आप मेहनत करते हैं उस तरह आपकी मेहनत आज रंग लाते हुए दिख रही है। हमें खुद ही विश्वास नहीं हो रहा है कि आईएमसी का हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर इस तरह से कमाल करते हुए रंग लाता है, मतलब किसानों के जो मेहनत है उसके प्रति बहुत ही अच्छा ये अब निभा रहा है। आप खुद देख सकते हैं, मैं आपको करीब करते हुए पूरा वीडियो दिखला रहा हूँ कि फलों की संख्या बहुत। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपकी खुशी के लिए मोहन महतो जी इतना मेहनत किए हैं, और ये आप देखिएगा कि सबसे ऊपर दीवार के पे चढ़ के आप लोग को इसका लोकेशन दिखला रहे हैं कि आईएमसी हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर किस तरह से रंग लाता है। अगर आप सच्ची तरह से ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो भगवान भी देने में कमी नहीं करता है, देख लीजिए आप। बताइए मोहन महतो जी, आप ही बताइए। हम तो एक कद्दू का आप देखिए कि हम बाउंड्री पर चढ़े हुए हैं, ये पूरा हम इसको में मचान बनाए हुए हैं, इसे तार या लपट्टा से किए हुए हैं, ऊपर से एक फल नजर में नहीं आ रहा, सारी फल इसको जो सब नीचे आ जाता है, और सारी फल नीचे आ जाता है उसका देखिए कि एक कितना सुंदर हरा फल रहा है, नीचे से जो नहीं लगता है नीचे की हरा है तो, और ऊपर में हरा देखिए पूरा साफ दिखा रहा है, नहीं फल ऊपर से फल भी नहीं दिखा रहा, जो फल होता है सब नीचे चला जाता है। हम तो आपको हर किसान भाई को कहेंगे इस चीज़ का यूज करें, इसको में खीरा खीरा
और करेला, कद्दू, परोर, टमाटर, हर फसल के लिए ये आप एक नंबर चीज है, दवा है। रामबन काम कर रहा है, रामबन काम कर रहा है। आप देखने की चीज है, हम बोले नहीं। हाँ, ये तो देखने की चीज है, लोगों को भरोसा नहीं होता है। दो मरतबा इसको हम छिड़काव कर, एक महीना के अंदर में दो मरतबा छिड़काव कर चुके हैं। अब है एक दो दिन में फिर हम छिड़काव करने वाले, कल या परसों करेंगे जी। मतलब हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, आईएमसी जो है प्रोडक्ट बनाई है, आईएमसी हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर, तो हम उसको दूसरे के किसान के घर तक ले जाने में कोई शर्मिंदगी महसूस ना करें, बहुत ही बेहतरीन है। शुरुआत में लोगों को विश्वास होता नहीं है जो हम बतलाते हैं, लेकिन लेने के बाद अगर वो उस चीज मन तन धन से उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद ही देख सकते हैं कितना अच्छा बेहतरीन फूल आया है इस। मेरे प्यारे दोस्तों, आईएमसी परिवार के सदस्यों, मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ, इसके पहले हमने महतो जी को आईएमसी हर्बल एग्रो ग्रो बूस्टर दिया था और इन्होंने बोला था कि मैं अपने खेत में एग्रो बूस्टर छिड़काव करके कद्दू की फसल को पैदावार बढ़ाना चाहता हूँ। तो हम लोगों ने रिजल्ट पाने के बाद मोहन महतो जी ने हमें दो दो कद्दू दिए, आप देख सकते हैं ये कद्दू दिए हैं, आप सामने देख लो ऐसा कद्दू है, ठीक है। अगर आईएमसी हर्बल एग्रो ग्रो बूस्टर आप अभी लेते हैं तो मोहन महतो जी से आप भी ऐसे कद्दू ले सकते हैं और अपनी खेती की पैदावार को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। तो गुड आईएमसी दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें और अच्छी खासी जिंदगी व्यतीत करें हमारे संग। स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। गुड आईएमसी दोस्तों।